so many good songs, but my all-time favorite. Tum Hi Ho by Arijit Singh. सो हे गाइज, वेलकम बैक माई यूट्यूब चैनल। आप लोग के लिए और एक न्यू ट्रेंडिंग वायरल लिरिक्स वीडियो लेके आज पाऊँ देखते तो स्क्रीन पर। सो इंट्रो में जो वीडियो देखे इस टाइप का लिरिक्स वीडियो इंस्टाग्राम रील में बहुत ही ज़्यादा वायरल हो रहा है और अभी ट्रेंड बच रहा है, आप लोग जरूर देखे होंगे। अगर आपको भी इस टाइप का लिरिक्स वीडियो क्रिएट करना है तो मेरा इस वीडियो को जरूर लास्ट तक देखना, मैं आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ। एंड गाइज, वीडियो पूरा देखने के बाद वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक कर दीजिएगा, साथ ही चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। तो चलिए अब वीडियो को जल्दी से स्टार्ट कर लेते हैं, उसके बाद आपको बताते हैं। सो वीडियो बनाने के लिए सबसे पहले आपको इन शॉर्ट एप्लीकेशन को ओपन करना है। ओपन करने के बाद कुछ इस टाइप का इंटरफेस देखने के लिए मिल जाएगा। नीचे में वीडियो वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। जैसे क्लिक करते हैं यहाँ पे दो ऑप्शन देखने के लिए मिलेगा, वीडियो एंड फोटो। तो सबसे पहले आपको वीडियो के ऊपर क्लिक करना है और आपको ये 5 सेकंड का इंटर वीडियो को ऐड कर लें। तो ये इंटर वीडियो का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा। उसके बाद फोटो के ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पर टोटल 7 फोटो को ऐड करना है। उसके बाद यहाँ पर टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेने। तो देख सकते हो मेरा यहाँ पर इंटर वीडियो एंड यहाँ पर 7 फोटो ऐड हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना, आपको वीडियो के एकदम आपको फर्स्ट पे आ जाना है। आने के बाद यहाँ पे अब आपको सॉन्ग भी ऐड करना है। तो सॉन्ग का भी लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप डाउनलोड करके यहाँ पे आप ऐड कर सकते हो। तो सॉन्ग ऐड करने के लिए यहाँ पे म्यूजिक वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है। म्यूजिक प्लस आइकन में जाना है, माई म्यूजिक में जाकर यहाँ से आप सॉन्ग को ऐड कर सकते हो। तो मेरा जो सॉन्ग है यहाँ पे ऐड हो चुका है। उसके बाद यहाँ पे टिक वाला ऑप्शन मिलेगा, टिक कर लेना है एंड आपको फर्स्ट वाला फोटो में आ जाना है। और जितना भी फोटो मैंने ऐड किया उस सब फोटो का रेशियो 9:16 वाले रेशियो में सेट कर लेना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर में कन्वर्ट वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और यहाँ पे आपको 9:16 वाले रेशियो के ऊपर क्लिक करना है। और ये जो एरो मिलेगा आपको इस तरह से 50 करके फोटो को सेट करके यहाँ पे आपको टिक कर लेना है। तो चलिए हम फटाफट सब फोटो का रेशियो यहाँ पर 9:16 वाले रेशियो में कर लेते हैं। इतना करने के बाद अब क्या करना, आपको फर्स्ट वाला फोटो में आ जाना है कुछ इस तरह से। और अब क्या करना, जितना भी फोटो मैंने ऐड किया उस सब फोटो का ड्यूरेशन भी अब आपको सेट कर लेना है। तो स्क्रीन पर देख सकते हैं यहाँ पे एक टाइमर दिया हुआ है, तो वही टाइमिंग को फॉलो करना है और सब फोटो का ड्यूरेशन यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। तो फर्स्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन देख सकते हैं यहाँ पर 6 सेकंड का है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, ड्यूरेशन वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और आपको कर लेना है 6 सेकंड में ये फर्स्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन। एंड सेकंड वाला फोटो में आ जाना है और इसका ड्यूरेशन को करना है 4 सेकंड, ठीक है। एंड आपको थर्ड वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है और इसका ड्यूरेशन करना है आपको 6.4 सेकंड में। इस तरह से आपको सब फोटो का ड्यूरेशन को सेट कर लेना है। इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में ट्रांजेक्शन भी ऐड करना है। तो यहाँ पे आपको फर्स्ट वाला फोटो में कुछ इस तरह से आ जाना है और फर्स्ट वाला जो एरो मिलेगा ये एरो को छोड़कर आपको सेकंड एरो के ऊपर क्लिक करना है और यहाँ पे आपको बहुत सारा ट्रांजेक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। तो आपको सेकंड वाला जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें आपको करना है फेड वाला ट्रांजेक्शन को ऐड, ठीक है। यहाँ पे ये फेड इन वाला ट्रांजेक्शन को ऐड कर लेना और इसका ड्यूरेशन को करना है 1 सेकंड में, टाइम ड्यूरेशन को करना है 1 सेकंड में, जितना भी यहाँ पे ट्रांजेक्शन ऐड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेने और थर्ड वाला जो एरो है इसके ऊपर क्लिक करना है और इसमें करना है स्लाइड राइट वाला ट्रांजेक्शन को ऐड। उसके बाद यहाँ पे टिक कर लेने और नेक्स्ट वाला जो ट्रांजेक्शन है इसमें आपको क्लिक करना है और इसमें ऐड करना है फेड वाला, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेने और नेक्स्ट वाला में आ जाना है और इसमें करना है लेफ्ट वाला ट्रांजेक्शन को ऐड और यहाँ पे आपको टिक कर लेने और दो बचा है यहाँ पे ट्रांजेक्शन, तो दोनों में आपको यहाँ पे जूम वाला ट्रांजेक्शन को ऐड करना है। ओके, देख सकते मैंने यहाँ पे ऐड कर लिया हूँ। तो फोटो का ड्यूरेशन और यहाँ पे सॉन्ग का जो ड्यूरेशन है दोनों यहाँ पे मैच हो चुका है। तो इस तरह से आपको कर लेने, उसके बाद अब क्या करना, आपको फर्स्ट वाला फोटो में आ जाना है। आने के बाद यहाँ से आपको क्या करना है, लिरिक्स अब आपको लिखना है। तो सॉन्ग को आपको प्ले करना है और आपको लिरिक्स को लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको लिरिक्स लिखने के लिए टूल्स को थोड़ा स्लाइड करना है। यहाँ पे आपको टी वाला ऑप्शन मिलेगा, टेक्स्ट वाला ऑप्शन, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको लिरिक्स को लिख लेना है, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, फर्स्ट वाला फोटो में आपको एक एक लिरिक्स को लिखना है, जैसे कि कोई लम्हा मेरा ना हो तेरे बिना। तो इस तरह से आपको लिखना है पहला लिरिक्स कोई, उसके बाद लिखना है लम्हा, उसके बाद मेरा, उसके बाद ना हो तेरे बिना। इस तरह से आपको एक एक लिरिक्स को यहाँ पे लिखना है। तो चलिए हम ये चीज़ को कर लेते हैं।
तो सबसे पहला वर्ड है कोई, ठीक है, इस तरह से आपको कोई लिख लें। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट चेंज करना है, तो डबल ए वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे इसके ऊपर क्लिक करना है और आपको यहाँ पे तीन फॉन्ट देखने के लिए मिल जाएगा। देख सकते हैं यहाँ पे तीनों ऊपर में है। तो ये तीनों फॉन्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा या फिर टेलीग्राम चैनल से इजीली आप डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले यहाँ पे सोल सिग्नेचर है, उसके बाद यहाँ पे पीसा फीको करके एक फॉन्ट का नाम है, वो फॉन्ट है। उसके बाद यहाँ पे है कैप्टन अमेरिकन या फिर अमेरिकन कैप्टन, ठीक है, जो भी बोल सकते हो। तो ये तीनों फॉन्ट का लिंक इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में होगा, वहाँ से आप इजीली डाउनलोड कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे अमेरिकन कैप्टन वाला फॉन्ट को ऐड कर लेना और इसका कलर आपको व्हाइट करना है एंड आपको टिक कर लेना है और हल्का सा साइज को बड़ा कर लेना है और यहाँ पे आपको सेट कर लेना है इस जगह पे। तो साइज को आपको क्या करना है, 28 में ही रखना है। सब जितना भी लिरिक्स ऐड करेंगे सबका साइज आपको 28 में कर लेना है और इसका ड्यूरेशन को करना है फर्स्ट वाला फोटो का ड्यूरेशन तक, इस तरह से, ठीक है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कोई मैंने लिख लिया। उसके बाद आपको लिखना है लम्हा, तो इसी को आपको कॉपी कर लेना है कुछ इस तरह से, तो ऊपर आ जाएगा और यहाँ पे आपको प्ले करना है। और यहाँ से मेरा लम्हा वर्ड शुरू, तो आपको आगे से यहाँ पे छोटा कर लेना है और यहाँ पे आपको करना है लम्हा, ठीक है, इस तरह से आपको लम्हा लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे ये जो डबल ए वाला ऑप्शन लेगा, यहाँ पे आपको क्लिक करना है और फॉन्ट को करना है चेंज और कलर आपको यहाँ पे करना है चेंज। आपको टिक वाला ऑप्शन लगा, टिक करके यहाँ पे आपको कर लेना है ऐड, ठीक है। उसके बाद वर्ड है लम्हा के बाद वर्ड है मेरा, देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ से मेरा है, तो इसी को आपको कॉपी कर लेना है और यहाँ पे आपको लिख लेना है मेरा। तो देख सकते मैंने यहाँ पे लिख लिया हूँ मेरा और कलर भी चेंज कर लिया हूँ। उसके बाद यहाँ पे सेट कर लेता हूँ, ठीक है। तो इस तरह से आपको पूरा लिरिक्स को लिख लेना है, तो चलिए हम ये चीज़ को कर लेता हूँ। तो देख सकते मैंने यहाँ पे पूरा लिरिक्स को लिख लिया हूँ, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको लिखना है हर सांस पे नाम तेरा, इस तरह से लिरिक्स से, तो आपको लिख लेना है। तो यहाँ पे आपको आ जाना है इस जगह पे, ओके, सेकंड वाला फोटो में। और यहाँ पे आपको इसी को आपको डुप्लीकेट कर लेना है, आगे कर लेना है और यहाँ पे आपको एडिट करके लिख लेना है हर सांस पे नाम तेरा। ठीक है, इस तरह से, एंड यहाँ पे आपको कर लेना है नीचे और एंड आपको टिक कर लेना है और यहाँ पे आपको डुप्लीकेट करके यहाँ पे एडिट वाला ऑप्शन में जाना है और एडिट कर लेना है और यहाँ पे आपको लिखना है नाम पे नाम। उसके बाद यहाँ पे इसका फॉन्ट को चेंज और कलर को चेंज करके यहाँ पे करना है ऐड, ठीक है, उस साइज को बड़ा कर लेना है कुछ इस तरह से एंड आपको टिक कर लेना है। तो देख सकते हैं यहाँ पे कुछ इस तरह से मैंने लिरिक्स को लिख लिया हूँ। तो इस तरह से आपको पूरा फोटो में लिरिक्स को लिख लेना है, ठीक है, और इसका टाइम ड्यूरेशन को करना है ये फोटो के अकॉर्डिंग, यहाँ पे इतना, ठीक है। तो चलिए हम फटाफट ये पूरा लिरिक्स को लिख लेते हैं सब फोटो में, उसके बाद आपको बताते हैं। तो देख सकते मैंने यहाँ पे पूरा लिरिक्स को लिख लिया हूँ, तो इस तरह से आपको लिख लेना है। उसके बाद ये वाला जो लिरिक्स है, देख सकते यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, तो इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे फर्स्ट स्टार्टिंग में आपको इस तरह से आपको, ठीक है, स्टार्टिंग में आपको की ये जो है ये लिरिक्स आपको नीचे कर लेना है। स्टार्टिंग में आपको की फ्रेम ऐड करना है और बीच में चले लेना कुछ इस तरह से और ये जो है लिरिक्स आपको इस तरह से ऊपर की ओर लेकर आ जाना है, ठीक है। तो देख सकते इस तरह से एनिमेशन ऐड हो जाएगा इसमें, तो इस तरह से आपको कर लेने। तो पूरा लिरिक्स मैंने लिख लिया हूँ यहाँ पे, तो इस तरह से आपको लिख लेने, उसके बाद यहाँ पर टिक कर लेने। एंड अब क्या करना, आपको फर्स्ट वाला फोटो में आ जाना है जहाँ से पहला फोटो स्टार्टिंग है, यहाँ पे आपको आ जाना है और यहाँ पे आपको एक शेडो इमेज ऐड करना है, ब्लैक शेडो इमेज ऐड कर लेना है। तो उसके लिए पीएपी वाला एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, फोटो वाला ऑप्शन जाना है और आपको ये ब्लैक शेडो इमेज को ऐड कर लेना है। देख सकते मैंने ऐड कर लिया, उसके बाद फुल स्क्रीन पर कर लेना है कुछ इस तरह से। एंड इसका जो ड्यूरेशन है आपको इस तरह से लॉन्ग कर लेना है, ठीक है। एंड यहाँ पे ब्लेंड वाला ऑप्शन में जाना है और इसका ओपेसिटी को कर लेना है हल्का 80% या फिर 90% में, ठीक है। इतना करने के बाद यहाँ पे आपको टिक वाला ऑप्शन में टिक कर लेना है। एंड अब क्या करना, आपको यहाँ पे एक इफेक्ट ऐड कर लेना है। तो इफेक्ट ऐड करने के लिए यहाँ पे स्टार्टिंग में चले जाना जहाँ से पहला फोटो स्टार्ट है, ठीक है। और यहाँ पे आपको फिल्टर वाला एक ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है, इफेक्ट वाला ऑप्शन में जाना है और नीचे में यहाँ पे एक इफेक्ट मिलेगा जिसका नाम है स्टार करके, ठीक है,
थोड़ा नीचे जाना है, यहाँ पे मिल जाएगा, देख सकते हैं यहाँ पे स्टार, ठीक है। ये इफेक्ट को ऐड कर लेने, उसके बाद इसका जो वैल्यू आपको हल्का सा घटा लेना है कुछ इस तरह से, एंड आपको टिक कर लेने, और ये इफेक्ट का ड्यूरेशन को करना है फुल, जितना वीडियो का ड्यूरेशन है उतना आपको कर लेना, उसके बाद करना है यहाँ पे टिक। तो फाइनली गाइस मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है कम्प्लीट। तो चलिए एक बार हम प्ले करके आपको दिखा देता हूँ। So many good songs, but my all-time favorite. Hope by Arijit Singh. देख सकते हैं कुछ इस तरह से हो चुका है। उसके बाद अब क्या करना है, आपको फोटो में एनिमेशन ऐड करना है। तो फर्स्ट वाला फोटो के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे आपको ऊपर में टूल्स मिलेगा, थोड़ा सा स्लाइड करना है, एनिमेशन वाला ऑप्शन में जाना है, कॉम्बो वाला ऑप्शन में जाना है, और सब फोटो में आपको ये स्विंग एल वाला एनिमेशन को ऐड कर लेना है सब फोटो में, ठीक है। ये स्विंग एल वाला एनिमेशन को ऐड करना है, इतना करने के बाद अब क्या करना है, आपको यहाँ पे जाना है स्टार्टिंग वाला फोटो में आ जाना है कुछ इस तरह से, और यहाँ पे आपको क्या करना है, स्टार्टिंग वाला फोटो में जूम इन जूम आउट करके एक इफेक्ट मतलब एनिमेशन आता है तो उसको ऐड कर लेना है। तो उसके लिए यहाँ तो स्टार्टिंग में चले लेना है, और यहाँ पे आपको ऐड कर लेना है एक की फ्रेम, थोड़ा लेयर को बढ़ा लेना है, और इसमें करना है जूम, ठीक है। ये फोटो को करना है जूम, थोड़ा और लेयर को बढ़ा लेना है, और इसमें करना है हल्का सा जूम, फोटो में करना है जूम इस तरह से, और लेफ्ट लेकर आ जाना है, और लेयर को बढ़ा लेना है, और इस तरह से आपको करना है जूम, और फोटो को करना है नीचे, ठीक है। और आपको ये लेयर को बढ़ा लेना है, और जूम करना है फोटो को, और इस तरह से आपको ऊपर कर लेना है फोटो, और लास्ट पे आ जाना है और करना है जूम आउट फोटो को, ठीक है। तो देख सकते हो कुछ इस तरह से मेरा एनिमेशन आ जाएगा स्टार्टिंग वाला फोटो में। तो इस तरह सबको कर लेना है। तो फाइनली गाइज मेरा वीडियो कुछ इस तरह से बन के रेडी हो चुका है कंप्लीट। एंड अब क्या करना, आपको वीडियो को सेव करना है, तो ऊपर में सेव वाला ऑप्शन मिलेगा, क्लिक करना है और वीडियो को करना है सेव। सो इंट्रो के जैसे मेरा वीडियो बन के रेडी हो चुका है। सो यार वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, एंड अभी तक वीडियो को लाइक नहीं की तो प्लीज लाइक कर लेना, साथ में चैनल पर जरूर सब्सक्राइब भी कर लेना, ताकि इस तरह का और एडिटिंग वीडियो आप लोग सीख सको। सो चलिए अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।